सो हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मेरे 27 अक्टूबर संडे को RWA पर RPF SI का मॉक टेस्ट लगाया है, जिसमें मेरा स्कोर क्या रहा मैं ये आपके साथ शेयर करूंगी, साथ ही साथ मॉक टेस्ट का लेवल क्या था, कैसा था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और मेरा स्कोर एकदम से इतना कैसे गिर गया, मैंने क्या गलतियां की, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं डायरेक्ट RWA के एप्लीकेशन पे जाके आपको सारी चीजें दिखाऊंगी, ठीक है, कि किस पोर्शन में मेरे कितना स्कोर बना है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मॉक टेस्ट का लेवल कैसा था। तो मॉक टेस्ट का लेवल एज यूजुअल टफ ही था, ठीक है, जैसा वो रखते हैं। लेकिन आज मैं अगर आपको पहले रीजनिंग की बात कर लेते हो, तो रीजनिंग आपकी डिफिकल्ट नहीं थी, इजी टू मॉडरेट थी। एक दो क्वेश्चन आप बोल सकते हो डिफिकल्ट नहीं थे, वैसे कंफ्यूज करने वाले थे। रीजनिंग सही थी आपकी आज की। लेकिन अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स का लेवल जो था वो मतलब इतनी कैलकुलेटिव मैथ्स थी, ऐसा नहीं था कि डुएबल नहीं थी। कुछ क्वेश्चन तो इतने कंफ्यूज कर रहे थे, सबसे पहले उनको समझने के लिए 2-3 बार पढ़ना पड़ रहा था। दूसरा, कुछ क्वेश्चन जो समझ में आ रहे थे तुरंत, वो इतने कैलकुलेटिव थे, इतना ज्यादा टाइम ले रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैथ्स का जो पेपर सेट करते हैं ये लोग, वो ये सोचकर करते हैं कि बच्चे अटेम्प्ट ही ना कर पाए इन टाइम। इतना ज्यादा कैलकुलेटिव, इतना बड़ा पोर्शन कि हाँ 4-5 क्वेश्चन डाल देते हैं कैलकुलेटिव, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो कैलकुलेटिव ही थे। और अगर बात करें अब जीके की, तो जीके का लेवल एज यूजुअल टफ ही रहता है, आज भी टफ ही था लेवल जीके का। अगर प्रीवियस ईयर को अगर हम कंपेयर करें, तो जीके का लेवल भी बहुत ज्यादा ही टफ रखते हैं ये लोग, ऐसा लगता है कि डुएबल ही नहीं है। एक टाइम पे तो ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, बहुत ज्यादा बार उसको पढ़ने के बाद समझ में आता है कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। जीके का लेवल काफी ज्यादा टफ था, जैसा रहता है उनका, ठीक है। तो अब मैं आपको अपना स्कोर दिखा देती हूँ। चलो, ये आप देख सकते हो RWA का एप्लीकेशन है जहाँ पर मैंने मॉक टेस्ट दिया था, और ये मेरा स्कोर देख सकते हो आप यहाँ पर, जो मेरा स्कोर बन रहा है ये 78.72, एकदम से मेरा स्कोर 100 से जो है 78.72 पर आ गया है, आप देख सकते हो। रैंक मेरी आप देख सकते हो 3731 बच्चों में से 29वें नंबर की 29th मेरी रैंक है। और हम सबसे पहले जो चेक करते हैं, हमें जो चेक करना चाहिए कि हमारा जो यहाँ पर हम जो है वेरी करते हैं, वो होता है परसेंटाइल। मेरा काफ़ी अच्छा रहा है, इसका मतलब ये डिफिकल्ट सिर्फ मेरे लिए नहीं था, ये सभी बच्चों के लिए उतना ही डिफिकल्ट था एग्जाम, ठीक है। और करेक्ट क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो, इनकरेक्ट मेरे आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा था। अभी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज दिखा देती हूं, पोर्शन वाइज। अगर पहले मैं मैथ्स की बात करूं, तो आप देखो कितना स्कोर मेरा गिरा है, मेरे 35 में से 35 थे लास्ट टाइम, आज आप देखो मैंने 6 इनकरेक्ट किए हैं। इस ये जो मेरी गलती हुई है ना 6, ये गलती होने का सबसे बड़ा कारण ये है, मेरा सबसे बड़ा कारण ये है इस गलती का, क्योंकि मैंने जो है ऑप्शंस के हिसाब से टिक कर दिया कि जल्दी से मैं जो है इसको अटेम्प्ट कर पाऊँ। आज मुझे लग रहा था कि मैं इन टाइम पूरा जो है पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने जल्दी के चक्कर में 6 क्वेश्चंस जो है वो मैंने आंसर्स के हिसाब से टिक किए थे। तो मेरे मैथ्स में आज आप देख सकते हो स्कोर कितना गिर गया, लास्ट टाइम मेरा 35 में से 35 था, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो रीजनिंग का स्कोर मेरा पहले भी 29 कुछ था, आज भी 30 है, जिसका आप देख सकते हो 3 मेरे इनकरेक्ट है, 2 मैंने छोड़ दिए थे, 2 मुझे लग ही रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था उसका आंसर क्या होगा, मैंने पूरी कोशिश करी थी, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो जीके में मेरा कितना स्कोर गिर गया है, 35 प्लस मेरा हमेशा रहता है जीके में, और आज मेरा 23.69 जो है मेरा स्कोर रहा है, आप देख सकते हो मैंने 33 अटेम्प्ट किए थे, 26 मेरे करेक्ट निकले और 7 मेरे इनकरेक्ट निकले, ठीक है। ये मैंने जो गलतियां की हैं आज, और आप देख सकते हो टाइम कितना ज़्यादा लिया मैंने, 22 मिनट लिए हैं जीके को करने में। आज मैंने जो टाइम ले लिया जीके को करने में, उसकी वजह से मैं बहुत होपलेस हो गई थी कि मैंने इतना टाइम ले लिया है, और उसी चक्कर में मैंने बहुत सारी ज़्यादा क्या कर दिया, सिली मिस्टेक्स कर दी, ठीक है। बाकी अगर मैं ओवरऑल देखूं, तो आप मेरा परसेंटाइल देख सकते हो, परसेंटाइल काफी अच्छा रहा है, इससे पता चलता है कि बाकी बच्चों के लिए भी उतना ही डिफिकल्ट था ये, ठीक है। सो दैट्स इट, ये मेरा स्कोर था। आप लोग भी अपना स्कोर शेयर कर सकते हो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में, और अगर आप लोगों का स्कोर भी कम बन रहा है, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना परसेंटाइल चेक करो, रैंक चेक करो, और बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत हो, क्योंकि ये जितना आपके लिए डिफिकल्ट है, और बच्चों के लिए भी उतना ही डिफिकल्ट रहा है मॉक टेस्ट। और मैं आपको यही बोलूंगी, अगर आप लोगों को तैयारी सही ट्रैक पे करनी है, तो आप प्रीवियस ईयर फॉलो करो, चाहे वो आपको टेस्ट बुक पर मिले या किसी बुक से मिले, तो प्रीवियस ईयर को ही फॉलो करो, मोटिवेटेड भी रहोगे और सही ट्रैक पर तैयारी भी चलेगी। हाँ, कभी कभी आपका चैलेंज फेस करने का मन करे, चैलेंजिंग कुछ करने का मन करे, तो RWA पर आकर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, पर मैं रेकमेंड करूंगी अपनी तैयारी अच्छी रखने के लिए।